इस वीडियो में हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ टू एक्सप्रेस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. ठीक है, अब हमारे पास परसेंटेज गिवन है एंड इन द सिनेरियो हमें इनको, इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में भी शो करना है और डेसिमल में भी शो करना है. तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट. लेट्स सपोज मेरे पास दो सिचुएशंस हैं, एक मेरे पास डेसिमल की फॉर्म, एक पॉइंट की फॉर्म में परसेंटेज है और एक नॉर्मल परसेंटेज है. अब हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. ठीक है जी, तो फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज को हमें टोटल फ्रैक्शन में फॉर्म में शो करना है, परसेंटेज का साइन हटा देना है. ठीक है, अच्छा जी, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ये ऐसे आएगा कि आप इसको लिखेंगे 4.5. अब परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास कहीं परसेंटेज लिखा है, इट मींस दैट इट्स अपॉन 100. ठीक है, बेसिकली जो परसेंटेज होता है, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, परसेंटेज आप उसको 1/100 की फॉर्म में रखते हैं, दैट इज लाइक आउट ऑफ 100 जो हमने पढ़ा था, या पर 100. ठीक है, तो 4.5 पर 100 अगर हम लिखते हैं तो दैट विल बी फॉर्मड एज 4.5/100. ठीक है जी, अब आपने इसकी डिनोमिनेटर में 100 डाल दिया, लेकिन अब आपने इसको फ्रैक्शन में मजीद कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में पॉइंट नहीं होता, तो ये हम पॉइंट हटाएंगे. ठीक है, सो हम पॉइंट हटाने के बाद क्या करेंगे कि जब उसका पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 45. इसका जब हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह 1 आया और इसका एक अपना 0 आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो इस बाद एक डिजिट आएगा और ये 100 जो था वो एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 45/1000 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, इसका एक और तरीका है, मैं आपको उससे भी शो कर दूंगी तो वो आपके शायद मे भी ज्यादा ईजी हो जाए. ठीक है, अब जब 45/1000 को जब आप कटिंग करते हैं, ठीक है, 5 की टेबल से, तो 5 9s are 45. ठीक है, और 5 की टेबल में 200 times 1000 आता है, तो आपका जो फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी 9/200. इसका एक और भी सिंपलेस्ट तरीका, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, आप सबसे पहले 4.5 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट विल बी 45. ये होल परसेंटेज ही रहेगा. ठीक है, 45 आपने पॉइंट हटाया, 1 लगाया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगाए, दैट विल बी 45/10%. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि दैट विल बी 45/10, इसको अब आप एक्चुअल फॉर्म में लिख लीजिए, विच इज 1/100. जाहिर है परसेंटेज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी. ठीक है, तो अब आप इसको आराम से जब लिखेंगे तो दैट विल ये होगा कि न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर में आपने उसको कर दिया और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं आप. ठीक है, अगर आप चाहें तो अभी से कटिंग कर दीजिए, आप ये भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ये हो गया, 5 की टेबल से जाता है, 5 9s are 45 और 5 2s are 10, तो ये क्या 9/2 × 1/100, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 9, न्यूमिरेटर 9 × 1 is 9 और 2 × 100 is 2. ठीक है जी, आंसर दोनों केसेस में सेम आया. ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, अब डेसिमल फॉर्म में कैसे आएगा, डेसिमल फॉर्म में लेट्स सपोज हमारे पास है डेसिमल, ऑलरेडी पॉइंट की फॉर्म में हमारे पास गिवन है 4.5. अगर हम इस परसेंटेज को हटाते हैं तो ये वाला सिनेरियो आता है. ठीक है, दैट इज 4.5/100. ठीक है, अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर हमने इसको परसेंटेज में मजीद डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जितने जीरोस होते हैं उतने आप जंप्स पीछे लगाते जाते हैं, 1 10, दूसरी जीरो के लिए एक और जंप. ठीक है, तो दैट विल बी लाइक आपने 4 5 लिखा. ठीक है, पहले पॉइंट यहां था, पहले जंप करके यहां आया, लेकिन ये 1 0 का हो गया. अब दूसरी जीरो के लिए हम एक और जंप लगाएंगे, उस और जंप लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है, कोई डिजिट नहीं, तो आप एक जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे अब आपका आ गया 0.045. कितना हमने किया था, यहाँ पे पॉइंट था, हमने एक जंप लगाया 1 0 के लिए, फिर दूसरा जंप लगाया दूसरे जीरो के लिए, और जहां पे 1 था उस पोजीशन पे हमने पॉइंट लगा दिया. दिस इज हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल. नाउ हमारे पास एक और सिनेरियो है, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, अब हमारी बात आ जाती है कि इसको हमें फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, दैट विल बी 450/100. ठीक है, ये 0 0 से कट गया. ठीक है, हमें पता है 5 के टेबल से जा रहा है, ये हो गया 9, ये हो गया 2, दैट विल बी हमारे पास ओरिजिनल सिनेरियो आ गया 9/2. ठीक है, ओरिजिनल हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रही है आफ्टर कटिंग, दैट इज 9/2. ठीक है, ये आपके हो गया
नाइन अपॉन टू फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर आप इसको चाहें तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी टू फोर आर एट, ठीक है, वन बचा और टू गया, फोर एंड अ हाफ, ठीक है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, ठीक है। 450 को हमने एज इट इज अपॉन 100 परसेंटेज हटा के लिखा, ठीक है, तो दैट वाज 450 अपॉन 100। अब हम डेसिमल में काउंट करेंगे, ठीक है, एंड डिजिट से, क्योंकि अब सपोज हमारे पास यहाँ पे पॉइंट सारे नहीं है, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप 450 एज इट इज लिखिए, ठीक है, एंड डिजिट से आप जंप करना शुरू कीजिए। दो जीरोज हैं, कितने जंप्स लगाएंगे एड नीचे से, टू जंप्स, वन, ठीक है। पहला जंप यहाँ पे था, यहां से आ गया इस जंप पे, इस जंप से आ गया ये, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हम एट द एंड ऑफ द सेकेंड लास्ट डिजिट हम कंसिडर करेंगे, सो यहां से वन जंप, ठीक है, वन जंप इधर, सेकेंड जंप इधर, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे 4.50, ठीक है। इसको मैं बड़ा बड़ा करके दोबारा से लिख देती हूँ, दैट विल बिकम 4.50, वन जंप लगा, ठीक है, फॉर 1.0 एंड देन अनदर जंप फॉर द अदर 0, ठीक है, दैट विल बिकम 4.50।